पहले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति सभी को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज का एक कार्यक्रम सभी सज्जन जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के ही नहीं बल्कि कई राज्यों के जिनको सूर्य कवि की उपाधि मिली बाजे भगत जीयों की जयंती के उपलक्ष्य में आज का एक कार्यक्रम है। हम मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भगत जीयों को याद किया और हमें भी इस धर्म कार्य में सम्मिलित किया और हमें भी पुण्य का भागी बनाया। हम पूरी कमेटी के और आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। सजनों, ये कार्यक्रम वैसे 16 जुलाई की भगत जीयों की जयंती मनाई जाती है लेकिन किसी कारणवश जो हमारे चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि, उनको समय नहीं था क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव था, उस कारण ये 5-7 दिन ये डिले करना पड़ा कार्यक्रम। और आज भगत जीयों की जयंती मनाई जा रही है, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार भगत जीयों की बातें सुनाएंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो आए हुए सभी कलाकार साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद करते हैं। और इस पान पवित्र दिन पे जो भगत जीयों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला, हम पूरी कमेटी के बहुत बहुत आभारी हैं और नमन करते हैं उस परिवार को भी, भगत जीयों के परिवार से उनके वंशज आए हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही सम्मानित डॉक्टर अशोक जी बैठे हैं, नमन करते हैं। और भी बहुत सारे जो भगत जीयों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो लोग तो कई कई हजार वर्ष तप करके जब भी भगत की उपाधि नहीं मिलती, लेकिन ऐसे परिवार में भगत जीयों ने जन्म लिया और अपनी मर्यादा में रहकर, अपनी गरिमा में रहकर और एक भगत की उपाधि प्राप्त करना, ये हमारे समाज के लिए नहीं सर्व समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। बाजे भगत जी सैन्य समाज से थे लेकिन कलाकार, पहलवान, कवि वो किसी विशेष समाज के नहीं होते, वो सर्व समाज के होते हैं। तो आज भगत जीयों की बातों का गुणगान करेंगे और लोगों सुन के देखना, बहुत कवि उनके बाद में भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी शख्सियत थे जिनको सांग लाइन में भगत की उपाधि मिली। और उनकी वो भक्ति क्या थी, वो श्वेत आत्मा के इंसान थे, उनकी आत्मा में, उनके मन में कोई छल नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था, वो सबको एक नजर से देखने वाले इंसान थे। और सांगों में किसी गरीब की बेटी की शादी की बात हो, फरी सांग किए, स्कूल निर्माण का कोई कार्य हो तो फरी सांग किए, जो भी गांव ने मुट्ठी बीच के दे दिया, स्वीकार कर लिया भगत जीयों ने। और यही चीज उनको भगत को आ गई, तो उन्होंने भक्ति क्या करी, सेवा की भक्ति करी। तो नमन करते इसी महान आत्मा को और एक बार फिर पूरी मैनेजमेंट कमेटी का, भाई सुरेश राणा प्रधान जीयों का और समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हर साल इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और भगत जीयों के बारे में चर्चा होती है तो हम पूरी कमेटी का, मैनेजमेंट का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।